एक और जहां पूरे देश भर में कोरोना महामारी के चलते संक्रमित मरीजों का आंकड़ा दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है और सरकार इसे गंभीरता से लेते हुए उनके उपचार के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, उपचार करा रहे हैं, तो कहीं उपचार के दौरान सैकड़ों की संख्या में लोगों की मौत भी हो रही है। सरकार संक्रमित आंकड़ों में कमी लाने के लिए अपना भरसक प्रयास कर रही है। जगह जगह पर वैक्सीनेशन सेंटर बनाए जा रहे हैं ताकि समय पर लोगों को वैक्सीन की जा सके और इस भयंकर बीमारी से निजात पा सके। लेकिन प्रशासन द्वारा घोर लापरवाही के चलते पाली के संचेती धर्मशाला में बने वैक्सीनेशन सेंटर 3 दिन में लापरवाही सामने नजर आई। यहाँ पर ये सेंटर राम भरोसे मिला। वैक्सीन लगाने के लिए लोग सेंटर तो आ रहे हैं लेकिन यहाँ जवाब देने वाला कोई नहीं है। यहाँ तक कि आवारा गाय भी सेंटर में घूमती नजर आई। संवाददाता मुकेश राजा की रिपोर्ट। अच्छा, लेकिन यहाँ तो उसकी शांति है, पंखे चल रहे हैं, दर्शन कोई नहीं यहाँ पे। लेकिन इधर कोई जवाब देने वाला भी नहीं है, कोई भी आज नहीं दिखा दे रहा है इधर। कोई जवाब देने वाला तो होना चाहिए कि हाँ इधर में होगा नहीं होगा, कब आना कब नहीं आना। रजिस्ट्रेशन कराना, रजिस्ट्रेशन भी नहीं कर रहे, कोई भी नहीं है। लेकिन कोई है नहीं तो किसके पास जावे? वो बोलता उधर जाओ, वो बोलता उधर जाओ, कहाँ जाने का सब तो प्रशासन कहते हैं। ऑनलाइन बुक करना, ऑनलाइन बुक कराना, कोई होना तो चाहिए। 3 बार हो गए यहाँ से काटते काटते। कितने हो गए आपको? 3 बार हो गए इधर आते। कहाँ से आए आप? खेवाड़ा से आए। खेवाड़ा से? हाँ। इतना दूर आना जाना होता तो है ना आपके? हाँ, लेकिन है नहीं वहाँ भी, तो हम लोग वहाँ लगा दे पाली जाके। कितना किलोमीटर दूर है खेवाड़ा से? कितना? 60 किलोमीटर यहाँ से। 60 किलोमीटर